हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए फिट मील इन 15 के एपिसोड में एक बहुत ही हेल्दी, डिलिशियस, फिलिंग, हाई प्रोटीन सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सैंडविच पूरी तरह से वीगन है, यानी कोई डेयरी प्रोडक्ट हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, दही, क्रीम या कुछ भी, मेयो वगैरह नहीं, बट स्टिल इट्स वेरी हेल्दी। हम इसके अंदर प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स इंक्लूड करेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। साथ ही इसके अंदर हम डिप के तौर पर भी एक बहुत ही हेल्दी डिप यूज़ करेंगे जिसकी रेसिपी मैंने हाल ही में शेयर की थी। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ और फिर इस हेल्दी से सैंडविच को हम प्रिपेयर करेंगे। इस हेल्दी से सैंडविच को बनाने के लिए हमें चाहिए तोफू। यहाँ पर मैंने सिल्कन या सॉफ्ट तोफू का इस्तेमाल किया है। आप घर पे बने हुए तोफू यानी सोया के पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 75 ग्राम के आसपास ये है। मैंने बहुत दिनों बाद बाज़ार का ऑर्गेनिक तोफू लिया है, लेकिन जैसे मैंने कहा, आप घर पे भी बना के जो मैंने रेसिपी शेयर की है उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा प्याज कटा हुआ, टमाटर, शिमला मिर्च और दो गार्लिक की क्लोव्स यानी लहसुन हम लेंगे। सीजनिंग के लिए पिंक सॉल्ट है, हल्दी, काली मिर्च का पाउडर और फ्रेश कोरिएंडर हम लेंगे। इसके अलावा क्योंकि हम सैंडविच बना रहे हैं, हमें चाहिए ब्रेड, तो मैंने यहाँ पर फ्रेश बेकरी से होल व्हीट ब्रेड ली हैं, 6 से 8 स्लाइसेस। इसके अलावा ऑलिव ऑयल है और 2 चम्मच घर का बना हुआ हमस है। हमस की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। हमस एक बहुत ही लो कैलोरी डिप या ड्रेसिंग होती है जिसे बनाना आसान है, जहाँ 1 चम्मच मेयो में अप्रॉक्सीमेटली 40-50 कैलोरीज होती हैं, वहाँ हमस ना सिर्फ हेल्दी होती है, इट्स ऑल्सो लो इन कैलोरी। तो 10 से 15 कैलोरी ही आपको 1 चम्मच में मिलेगी, यहाँ पर हम 2 चम्मच लेंगे। इसके अलावा स्लाइसेस ले सकते हैं आप क्यूकम्बर के, अनियन के, जो आप अपने सैंडविचेस में आराम से सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट तोफू की, तो तोफू जो है प्लांट बेस, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो रिचेस्ट प्लांट बेस सोर्स है प्रोटीन का, और इसके अंदर सारे के सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी है। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, विटामिन ए, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीजियम, जिंक और सेलेनियम जैसे इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपको तोफू के अंदर मिलते हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम मैश कर लेंगे तोफू को। ये जो सिल्कन तोफू होता है, काफ़ी सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर होता है इसका, और ये बहुत आसानी से आप मैश कर सकेंगे। जो हम घर पे बनाते हैं उसका टेक्सचर इससे थोड़ा सा हार्ड होता है। तो मैश करने के बाद इसे साइड में रख देंगे। एक मैंने इस रेसिपी में यूज़ किया है तोफू, जिसे सोया का पनीर भी कहा जाता है। सोया का पनीर मैं घर पे बनाने की रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इट्स वेरी इजी टू मेक। आपको सोयाबीन को उबालना है और फिर उसको पीस कर उसके दूध से ये वाला पनीर बनाना है। लेकिन अगर आप किसी वजह से घर पर नहीं बना पा रहे हैं या फिर पॉसिबल नहीं है और आपको मार्केट से लेना है, मेक श्योर कि आप ऑर्गेनिक सोया का पनीर लें। और इस रेसिपी में मैंने सिल्कन तोफू का इस्तेमाल किया, जो काफ़ी सॉफ्ट होता है। जो हार्ड वाला तोफू होता है उसका जो टेस्ट और टेक्सचर होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। जिन लोगों को तोफू से प्रॉब्लम है वो इसमें लो फैट पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो रेसिपी वीगन नहीं रहेगी, वो वेजिटेरियन टोस्ट बन जाएंगे। पैन लेंगे जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया है और चॉप्ड गार्लिक एंड अनियंस को ऐड करके उन्हें हल्का सा सौते कर लिया है। यहाँ हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा सौते करने के बाद हम कैप्सिकम और बाकी अगर आप कोई वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें तो आप आसानी से इस सैंडविच के अंदर ऐड करके उसे रिच इन फाइबर बना सकते हैं। मैंने कटे हुए टमाटर इसके अंदर ऐड करके हल्का सा उन्हें सौते किया है। तो
और एंड में अपना मैश किया हुआ टोफू जो है उसे भी पैन में ऐड कर दिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे सीजन करेंगे नमक हल्दी और चाहे आप कोई भी मसाले ऐड करना चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर घर के बने हुए मसाले हों तो ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये हमने टोफू की भुर्जी बना ली है और ये भुर्जी हम फिल करेंगे अपने सैंडविचेस के अंदर और बहुत कम टाइम इसे लगा हमें बनाने में, लेकिन इसे ठंडा करने में अब टाइम लगेगा। तो जब तक आप इसे ठंडा कर रहे हैं तब तक आप कोरिएंडर चॉप करके रख सकते हैं जो आप इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप क्यूकम्बर यानी खीरे के, टमाटर के, प्याज के स्लाइसेस चॉप कर सकते हैं जो आप अपने सैंडविचेस में यूज़ करें। तो ठंडा करने के बाद अब हम अपने इस जो हमारा टोफू की भुर्जी है या मिक्सचर है उसके अंदर हमस को ऐड करेंगे। और हमस को ऐड करने के बाद देखिए इसका टेक्सचर कितना ज्यादा क्रीमी हो गया है एंड टेस्ट अमेजिंग, क्योंकि हमारे जो हमस होता है उसमें सेसमे सीड्स का पेस्ट होता है जो उसे क्रीमी बनाता है, उसके अंदर चिक पीस होते हैं मैश किए हुए। अब बारी है इसे हमारे ब्रेड के अंदर फिल करने की। तो एक ब्रेड स्लाइस मैंने लिया है और उसके ऊपर सबसे पहले एक लेयर पे मैंने अपनी टोफू की भुर्जी और जो हमस का मिक्सचर है उसे स्प्रेड कर दिया है। हम इसे लेयर करेंगे विद सम स्लाइसेस ऑफ टमेटो, क्यूकम्बर एंड अनियन। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सैंडविच बना रही हूँ, एक जंबो सैंडविच। तो जंबो सैंडविच के अंदर 3 ब्रेड स्लाइसेस हैं और डबल लेयरिंग हम करेंगे, और जो नॉर्मल हमारा सैंडविच है उसमें सिंगल लेयर और सिंगल हम अपने जो टमेटोज और क्यूकम्बर के स्लाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। तो इसे अच्छी तरह से फिल करने के बाद हम अब इसको हल्का सा सेकेंगे। तो सेकने के लिए आप तवा इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ा सा हम ऑयल या घी लगाएंगे तवे के ऊपर। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है और मीडियम से लो आंच पे हम अपने ब्रेड के स्लाइसेस को, अपने सैंडविचेस को टोस्ट करेंगे। सो दोनों साइड से प्रेस करते हुए, अगर आप अच्छी तरह से प्रेस करेंगे इसे तो प्रेस करने से क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। तो देखिए मैंने इसे दोनों साइड से प्रेस करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है और अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। इसमें बहुत ही क्रंची साउंड आ रहा था जब मैं इसे कट कर रही थी, एंड लुक एट द फिलिंग, इट्स वेरी क्रीमी और बहुत ही एपेटाइजिंग है। आप इसे चाहें तो ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे आप टिफ़िन के अंदर भी लेकर जा सकते हैं, इसे कैरी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे वीगन टोफू सैंडविचेस जिसमें क्रीम नहीं थी लेकिन ये बहुत क्रीमी है। हमने किसी भी मेयो का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ही हेल्दी डिप का इस्तेमाल किया, डेयरी फ्री है, हमने इसमें दही या कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है डेयरी का प्रोडक्ट। यस, आप इसे लो फैट पनीर से बना सकते हैं बट फिर वो वीगन नहीं रहेगी, वो रेसिपी वेजिटेरियन टोस्ट की हो जाएगी। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँ तो आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए, आपके बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए
वेट लॉस के लिए, ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बिकॉज इट इज़ हाई इन फाइबर, तो आपकी गट के हेल्थ के लिए भी अच्छी है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लोअर डाउन करने में हेल्प करेगी। साथ ही अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन रहती है, ब्लोटिंग रहती है, सूजन रहती है, तो उसे भी कम करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल रेसिपी है। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक आप मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आप इसकी पिक्चर लेके भी मेरे साथ सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इस रेसिपी की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कितने कैलोरीज, कितने प्रोटीन हैं इसके अंदर, कितने कार्ब्स हैं, वो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ पर इस रेसिपी का आर्टिकल यानी रिटन रेसिपी मैंने अंग्रेजी में शेयर की हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर, बाय बाय।